ॐ नमो नरसिंहाम नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। ॐ ही हनुमन्ते नमः। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे हमारे दूसरे चैनल पे कि आप हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे यहाँ भूत प्रेत बाधा का साया है या भूत प्रेत बाधा ने हमें परेशान करके रखा है। तो हम आपको बता दें कि नारसिंह बाबा का एक ऐसा मंत्र है, नारसिंह भगवान जी का एक ऐसा मंत्र है कि उस मंत्र के जरिए आप अपनी बाधा को ठीक भी कर सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि हमारे घर में भूत प्रेत बाधा है। लेकिन भूत प्रेत बाधा के जो पूरा विधान है जानने का, वो थोड़ा सा अलग है, वो सब कोई नहीं कर पाता। उसके लिए किसी योग्य गुनिया या तांत्रिक या जानने वाले की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग होता है और उसके पास भी सिद्धित मंत्र होने चाहिए, तभी वह भूत प्रेत बाधा से पता लगवा सकता है कि क्या कारण था, क्यों भाई परेशान है, किसी ने किया कराया है, किसी ने भेजा है, या अपने आप ही हमको परेशान कर रहे हो, हमारे घर में रहते हो, हमारे घर में कोई दिक्कत है, उस वजह से हमको परेशान कर रहे हो। तो उसका विधान अलग है, उस बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। यदि कोई इन सब विद्याओं को सीखने का इच्छुक है और गांव देहात में ऐसी विद्याओं का प्रचलन है जो भूत प्रेत बाधाओं को देख सकते हैं, आप भी देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ आपको पता लग जाएगा कि भूत प्रेत बाधा है या नहीं है और आपकी भूत प्रेत बाधा का निदान हो जाएगा। वैसे तो हमने पिछले बहुत सारे वीडियो इस विषय में बना रखे हैं और दूसरा हमारा चैनल है औषधि तंत्रा नाम से, उस चैनल पे इस बारे में वीडियो पड़े हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अब इस वीडियो में नरसिंह बाबा के यानी भैहा नरसिंह बाबा के एक मंत्र के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। इस मंत्र को जैसे ही आप चलाते हैं तो सामने वाले को तत्काल ही आराम लग जाता है और आराम के साथ साथ यदि कोई उल्टी सीधी बाधा हो तो यदि आप 5 से 21 बार मंत्र फूंक के मारते हैं तो उसके सिर के ऊपर देव सवार होकर और खुद ही बताने लगता है कि मैं कौन हूँ। तो यह मंत्र वैसे आसान है और आसान के साथ साथ आप इसकी जो सिद्ध विधि है वह भी बड़ी आसान है और उस विधि को पहले जान लेते हैं फिर हम मंत्र के बारे में जानेंगे। मंत्र के बारे में आपको अब क्या बताएं, यह हमारे बुंदेलखंड का प्रचलित मंत्र है लेकिन कुछ जाने माने तांत्रिक गुनिया लोग ही इस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह मंत्र थोड़ा सा तेजमयी मंत्र माना जाता है और इस मंत्र का जो प्रयोग होता है उसमें सभी प्रकार के देव बंधन कट जाते हैं और यदि देव वहाँ हैं भी तो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। तो हम आपको बता दें इसकी सिद्ध करने की विधि, सिद्ध करने की विधि बड़ी आसान है, आप घर में अपने किसी भी दिन सिद्ध कर सकते हैं इस मंत्र को। जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया, नवरात्रों का समय तो चल ही रहा है तो समझ लीजिए नवरात्रों में तो अब नहीं ही कर पाएंगे क्योंकि नवरात्रें निकल जाएंगी, तो आप सर्वसिद्धित योग देख लीजिए, ग्रहण काल देख लीजिए, रविवारी अमावस्या देख लीजिए, शनिवारी पूर्णिमा देख लीजिए। और हम आपको बता दें कि अभी इन नवरात्रों से लेके पूर्णिमा का जो समय होता है, जो 5 दिन बाद पूर्णिमा पड़ने वाली है, उस पूर्णिमा के दिन भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तक नवरात्रि की छाया जो रहती है पूर्णिमा तक बनी रहती है और नवरात्रि में 9 देवियों की कृपा तो रहती ही है और ये 9 दिन सर्वसिद्धित दिन भी माने जाते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, एकादशी हो गया, डिठौनी एकादशी हो गई, ऐसे बहुत सारे मुहूर्त हैं और जब आपको इमरजेंसी ही लटक जाए और आपको उपाय न मिले तो आप किसी भी गुरुवार के दिन इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन सिद्ध करने में आपको जप संख्या जो है बढ़ानी पड़ेगी और बाकी सब सिद्धित योगों में आप सिर्फ इसको 108 बार ही आप जाप करेंगे और आपका मंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा।
लेकिन हम आपको बता दें कि इन नवरात्रों के बीच में यदि आपको इमरजेंसी लगती है तो इस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रों के समय में यह अपने आप में ही सिद्धित मंत्र होता है और यह आपका कार्य करेगा। लेकिन नवरात्रों के बीच की बात है, अब विधि के ऊपर चलते हैं। भगवान नरसिंह बाबा की एक सामने तस्वीर रखनी है, नींबू आपको जरूर रखना है क्योंकि मंत्र को सिद्ध करते समय नींबू की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें आपको 5 नींबू लगने वाले हैं। नरसिंह बाबा का श्रृंगार क्या होता है, इनके पीले वस्त्र होते हैं, पीले फल होते हैं और पीले ही प्रकार के आप अनाज रख सकते हैं, पुष्प रख सकते हैं, इस तरह का जो भी सामग्री आपको रखनी है पीली ही रखनी है। तो पीला श्रृंगार आप कुछ भी बाजार में जाएंगे पूजा पाठ की दुकानों में तो आप नरसिंह बाबा का या नारायण भगवान का श्रृंगार मांगेंगे तो पीला श्रृंगार वो जो लगता है सब दे देंगे। तो आपको नरसिंह बाबा की फोटो रखनी है सामने, पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठना है और भगवान के स्नान कराना है, अक्षत पुष्प हल्दी वगैरह चढ़ानी है, उसके बाद श्रृंगार अर्पण करना है। नींबू हमने बताए थे 5 आपको जरूर लाना है। तो जिस आसन पे आप बैठे हैं उसके चारों कोनों पे एक एक नींबू आपको इसी मंत्र को पढ़ के अपने चारों तरफ इन्हीं 4 दिशाओं में रख देना है। एक नींबू आपको भगवान के जहाँ आप प्रसाद लगाने वाले हैं उसके बाजू में आप जमीन पे, इस नींबू के नीचे कोई आसन नहीं होना चाहिए या कोई बर्तन नहीं होना चाहिए तो इसको जमीन में ही रखना है। और इसके बाद आपको एक पान लेना है, उसके ऊपर एक सुपारी रखनी है और 5 लौंगें भी उसके ऊपर ही रख देनी है। इसके बाद आपको मंत्र का जाप शुरू करना है। मंत्र जाप 108 बार आप माला ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही किसी गिनती अनाज के सहारे गिनती करके, कमल गट्टे के सहारे गिनती करके आप 108 बार इस मंत्र को आप जप सकते हैं। और 108 बार जप करने के बाद 11 से 21 बार जो भी आपके पास समय बच रहा हो कोशिश करें कि 21 बार इसी मंत्र के द्वारा शुद्ध घी से और उसमें थोड़ा सा कनेर की जड़ या कनेर के पत्ते ऐसा हवन सामग्री में मिला लें और हवन करें, और हवन करने के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जो नींबू आपने सामने अलग से ज़मीन में रखा था उस नींबू को काटें और जो आग में हवन आपने डाला था उसी के ऊपर धीरे धीरे इस नींबू को निचोड़ना शुरू करें और इस मंत्र को पढ़ना शुरू करें। एक बार पढ़ के धार दें आग के ऊपर इसी नींबू की और बस आपका मंत्र काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब भी आपको मंत्र का प्रयोग करना हो तो मंत्र एक बार से लेके 21 बार तक आप मंत्र को प्रयोग करते समय पढ़ सकते हैं और कान में फूंक मारिए। और आपको शंका है कि इस घर में बार बार प्रीतिष्ठ आ रहे हैं, बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, तो ऐसे में मंत्र को पढ़ते हुए एक चमेली का पुष्प में इस मंत्र की फूंक मारें और आप उस घर में इस चमेली के पुष्प को ताबीज बनवा कर रख दें या एक नरियल इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसी में चमेली के पुष्प 21 पुष्प 21 बार मंत्र यदि आप पढ़ते हैं और उसके अंदर रख दें और उस नरियल को उस घर में बांध दें। इसके अलावा इसी मंत्र को पढ़ते हुए एक लोहे की कील लें और कील दरवाजे पर मंत्र पढ़ते हुए ठोक दें और इसी मंत्र को पढ़ते हुए पानी में फूंक मारें और पानी को पूरे घर में छिड़काव करें, रोगियों के ऊपर छिड़काव करें और जिसके ऊपर शंका हो उसके ऊपर छिड़काव करते ही वैसे तो वह बोलने लगता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन नहीं बोलता है क्योंकि कई बार कई इष्ट ऐसे होते हैं जैसे ब्रह्म हो गया, सन्यासी हो गया, तो ऐसे इष्टों को बार बार आप जब मंत्र पढ़ेंगे 21 से भी 51 बार जब पढ़ेंगे तब शायद बोले, लेकिन वैसे हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकली बात है वह 1 से 5 बार में ही बोलने लगते हैं कि मैं भाई ब्रह्म, मैं सन्यासी, मैं प्रेत, मैं जोगनी, मैं डायन पिशाच, जो भी है जितने भी प्रकार के भूत होते हैं जो भी होगा वह बोलने लगेगा। उसके बाद आप उससे पूछ सकते हैं कि क्यों आए हो भाई, किसी ने भेजा है, तो वो सारी बातें बताना शुरू कर देगा। इसके बाद इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसके बालों में 1 गांठ लगाइए और बस इसी मंत्र को पढ़ते हुए पानी पिला दीजिए और इसी मंत्र को पढ़ते हुए एक चमेली के फूल में फूंक मार के ताबीज बना दीजिए। दोबारा उसके ऊपर कभी भी प्रेत बाधा नहीं आएगी।
और यदि कोई रोगी है जिसको भूत प्रेत नहीं भी लगे हैं और वो रोगी है, किसी कारणवश परेशान है, आराम नहीं लग रहा है, तो आप इसी मंत्र को पढ़कर पानी में फूंक मारकर यदि पानी पिला देते हैं तो रोगी को आराम लग जाएगा और दवाई असर करना शुरू कर देंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह मंत्र भूत प्रेतों को ही बांधता है, आम टाइम में यह रोगों को भी ठीक करता है। आप इस मंत्र के जरिए झाड़ा लगा सकते हैं, और यदि एक गाय की आपको पूंछ के बाल मिल जाए तो आप उस गाय के पूंछ के बाल की रस्सी एक ठो बनवा लीजिए, और जब भी आपको झाड़ा लगाना हो तो एक बार रस्सी चलाइए और मंत्र पढ़िए, तो भूत प्रेत जो है जल्दी ही बोलने लगते हैं। जैसे आम टाइम में साधारणतया आपको 21 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे में आप एक ही दो बार पढ़ पाएंगे और भूत प्रेत अपने आप ही सिर पे सवार होकर वो अपने बारे में बताने लगेंगे। तो इस तरह इनका विधि विधान है, बड़ी आसान विधि है सिद्ध करने की भी और चलाने की भी। और यह देशी मंत्र है तो इसको ध्यान से लिखिएगा, जब नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको कमेंट में रिकमेंट करके लिख के आपको भेज देंगे जब भी आपका हम कमेंट देखेंगे। चलिए अब मंत्र ध्यान से सुन लीजिए और इस मंत्र को प्रयोग अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ छोटी मोटी समस्याएं होती ना हो। क्योंकि कई बार आदमी बाहर जाता है और भूत प्रेतों को अपने साथ समेट के अपने घर में ला लेता है, और फिर घर के लोग परेशान होने लगते हैं और जानकारी भी नहीं लगती कि हमारे साथ साथ कोई चल के भूत प्रेत आ गया है। तो ऐसे में आपको मंत्र तंत्र ये थोड़े बहुत सीख के रखने चाहिए, ताकि आप छोटी छोटी समस्याओं का निदान स्वयं कर सकें, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि आजकल तंत्र विद्या जो है धीरे धीरे लुप्त हो गई है, क्योंकि समाज इतना पढ़ा लिखा हो गया है कि वो अलग दिशा में जाता है, पुरानी चीज़ें सब भूली जा रही हैं और धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। तो जब आगे आने वाला समाज इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, तो जब संकट आ जाता है तभी सोचता है। ऐसे आम टाइम में तो वो उसे नॉर्मल ही लगते हैं भूत प्रेत, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप मंत्र आप ध्यान से सुनिए और इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करके देखिएगा, आपको अवश्य ही फायदा होगा। चलिए मंत्र सुनिए और इसे लिखते ही जाइएगा। ओम नारी टोर नार सिंह आवे गढ़ टोर हनुमान, जहाँ भई काल भैरव की आन, एक फूल हसे एक बिल से एक पे बया, नार सिंह हसे जहाँ लो जावे फूल की बास, उते न आवे काऊ की आस, बेरी मार मरघट ले जावे, चार बार धुआं दे के घर आवे, तब वीर भैया नारसिंह कहावे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल ले वीर भैया नारसिंह, देखो तोरी चलवे की शक्ति। तो यकीन है हमें कि आपने मंत्र ध्यान से सुना होगा, नहीं सुना है तो एक बार और सुनिए, और जब ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से आप इसे देखकर और लिख लीजिएगा, और जब फिर भी आपको शब्द समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। नारी टोर नार सिंह आवे गढ़ टोर हनुमान, जहाँ भई काल भैरव की आन, एक फूल हसे एक बिल से एक पे भया, नार सिंह मस्ते जहाँ ले जावे फूल की बास, उतना आवे काऊ की आस, बेरी मार मरघट ले जावे, चार बार धुआं देख घर आवे, तब वीर भया नार सिंह कहावे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल ले वीर भया नार सिंह, देखो तोरी चलबे की शक्ति। तो इस तरह यह मंत्र था, अब हमें यकीन है कि आपने अब अच्छे से सुन ही लिया होगा, और मंत्र का प्रयोग भी आप समझ गए, विधि भी समझ गए। यह भैया नारसिंह जी का मंत्र है, और हमारे यहाँ एक ही बार पढ़ने में इस मंत्र से काम हो जाता है। वो सिद्ध करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने रोष में इस मंत्र को पढ़ता है, क्योंकि जो देसी मंत्र होते हैं यह शरीर के रोष से ही काम करते हैं। जब आप एकाग्र होकर और फुल रोष फुल तेज के साथ इस मंत्र को किसी के कान में पढ़ देते हैं तो वैसे ही उसे पसीना आ जाता है, और भूत प्रेत हुआ तो उसके तो छक्के ही छूट जाते हैं। बोलिए नारसिंह बाबा की जय। और भी कोई समस्याएं हो, कोई दिक्कत हो, हमारे वीडियो आपको समझ से बाहर हो, या कोई और नई जानकारी चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करिएगा, और हमारी जानकारी के द्वारा आपका या आपके पड़ोसी का, मित्र का, या हमारी जानकारी के द्वारा किसी का भी कोई फ़ायदा हो रहा है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। ओम नमो नरसिंहाय नमः।